अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने बड़े आसानी से घर पे ही पैन में मैंने इसे बनाया है और इसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार के पिज़्ज़ा जैसा ही आया है और घर में ही अवेलेबल सारी चीज़ों से मैंने इसे तैयार किया है। तो व्यूवर्स, हम घर पर भी आसानी से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर भी पिज़्ज़ा का ब्रेड तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक छोटे से बाउल में ईस्ट मैंने डाला है, जो ईस्ट हम यूज़ करते हैं ना ब्रेड बनाने के लिए। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर उसमें मिलाया है ताकि हमारा फौरन एक्टिवेट हो जाए ईस्ट। साथ ही में मैंने थोड़ी सी शुगर इसमें डाली है। शुगर डालते ही ईस्ट बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। ईस्ट डालने से जो पिज़्ज़ा का ब्रेड है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है इस मेजर के हिसाब से। ये तकरीबन 200 ग्राम मैदा है। इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और साथ ही इसके ये बेकिंग सोडा है जो घर में हम यूज़ करते हैं भजियाँ बनाने के लिए, वही सोडा मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच मिलाया है और साथ ही 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर मैंने डाला है। ये दोनों चीज़ें इसमें डलती हैं तो आटा जो है बहुत ही हल्का बन जाता है। और यहाँ पर मैंने 1/2 प्याली दही लिया है, ये तकरीबन 100 ग्राम दही है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को डालकर हम आटे को अच्छी तरह से गूंद कर लेते हैं। और जो ईस्ट मैंने एक्टिवेट होने के लिए रखा था वो भी बहुत अच्छा फूल चुका है। ये डालने से आटा बहुत जल्दी फर्मेंटेड हो जाता है और ब्रेड जो उसकी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से आटे को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदना है। अभी तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, बस दही और जो ईस्ट का पानी था उसी में मैंने आटे को गूंद लिया है। आटा हमें ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदना है, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। इस तरह से आटे को बहुत अच्छी तरह से हमें गूंदना पड़ता है। देखिए, इस तरह से आटे को थोड़ा सा बीट करना होता है, थोड़ा सा पटकना होता है आटे को, तभी जाके ये आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट और पिज़्ज़ा का ब्रेड बनाने के काबिल बन जाता है। तो अब इस आटे को मैं क्या करती हूँ, 1 घंटे के लिए बाउल में डालकर इसको रेस्ट के लिए रख देती हूँ। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ आटे के ऊपर। पिज़्ज़ा की टॉपिंग करने के लिए जो चीज़ें हमें लगती है वो यहाँ पर मैंने ली है। ये मोज़रेला चीज़ मैंने यहाँ पर लिया है, थोड़े से कॉर्न हैं जिन्हें मैंने बॉईल करके लिया है, और यहाँ पर मैंने ऑनियन को इस तरह से शेप में काटा है, शिमला मिर्च मैंने इस तरह से काट के ली है और टमाटर के स्लाइसेस, टोमेटो स्लाइसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। और साथ ही में ये पिज़्ज़ा का सॉस जिसे मैंने घर पर तैयार किया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर भी लिया है जिसे मैं ब्रेड पर अप्लाई करूँगी। तो चलिए, हमारा आटा अभी बहुत अच्छी तरह से फर्मेंट होकर तैयार हुआ है, ये अच्छी तरह से फूल चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा यहाँ पर डस्ट करके, ये जो हमारा डो है ये देखें इसमें किस तरह से, ये देखें इस तरह की जाली इसमें तैयार हुई है, बहुत अच्छी तरह से आटा हमारा फूल चुका है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। ये भी प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से आटे को हम हाथ से खींचकर, इसका मतलब होता है कि आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से हल्का होना चाहिए। तो अब इसके मैं इस आटे के 4 पार्ट यहाँ पर बना रही हूँ। इसमें आराम से 4 हमारे पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैंने चाकू की मदद से इसको 4 पार्ट में काट लिया है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक इसमें से पार्ट लेकर इसको इस तरह से मैंने 4 पार्ट बना लिए हैं। तो अब थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके एक ब्रेड में तैयार करके ले रही हूँ। थोड़ा हाथों की मदद से इसको प्रेस करते हैं। इसकी ब्रेड हमें थोड़ी सी थिक ही रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है।
तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक रोटी बेल ली है। अब मैं क्या करती हूँ, फोर्क की मदद से इसके अंदर कट्स लगा लेती हूँ ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा ब्रेड है फूले ना। तो अब तवे को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेड को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस कुछ मिनट्स के लिए, एक दो मिनट के लिए मैं यहाँ पर ब्रेड को सेक रही हूँ। अब मैं इसको पलट देती हूँ। कुछ अच्छा खाने के लिए, टेस्टी खाने के लिए थोड़ी तो मेहनत तो करनी पड़ती है। अभी बारिश चली है बाहर और बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमें पिज़्ज़ा खाना है। बाज़ार में तो वैसे हम टेस्टी पिज़्ज़ा खाते हैं, बट घर पे जब हम इस तरह से बनाते हैं ना, तो घर पर भी पिज़्ज़ा हमारा बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है। व्यूअर्स, ये देखें, ये ब्रेड हमारा बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब जो मैंने बटर लिया था उसको मैंने मेल्ट करके लिया हुआ है। अब ब्रश से मैं थोड़ा सा बटर इस पर अप्लाई करती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह से करने से। तो चलें आप टॉपिंग कर लेते हैं हम पिज़्ज़ा की। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है। तो पहले मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है। वाओ, सो नाइस कलरफुल पिज़्ज़ा सॉस है और बहुत टेस्टी ये सॉस हमारा बनकर तैयार हुआ है। साथ ही में मैं इसके ऊपर अभी जो चीज़ है, चीज़ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इस पर डाल सकते हो। जितना चीज़ डालते हैं उतना बच्चों को पसंद आता है। अब इसके साथ टमाटर के स्लाइसेस को मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ। और साथ ही में शिमला मिर्च जो मैंने काट कर रखे हैं वो भी मैं इसके ऊपर सजा कर ले रही हूँ। ये देखें, रेड, ग्रीन, येलो, ये कलरफुल पिज़्ज़ा बहुत ही खूबसूरत लगता है। दिखने में खूबसूरत लगता ही है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। तो साथ ही में अनियंस भी मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। और इसके साथ कॉर्न्स, ये भी मैं इस पर डाल रही हूँ। तो ये देखें, थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं। और ये अमूल चीज़ मेरे पास है, इसके स्लाइसेस हैं, तो एक एक स्लाइस इसके ऊपर मैं छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से सेट कर रही हूँ। इससे भी थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलें, फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। पैन भी मैंने गरम करने के लिए रखा है। इसको बहुत ही केयरफुली उठाकर मैं पैन में रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इस तरह से ढककर स्लो गैस पर मैं इसको पका कर ले रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा लीड को ओपन करके देख लिया है और 5 मिनट इसे पकना है। देखें गाइस, कितना खूबसूरत है नज़र आ रहा है। तो चीज़ भी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो रहा है। तो इसको और 5 मिनट के लिए मैं इसी तरह से पकने के लिए रख देती हूँ। तो 5 मिनट हो चुके हैं, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे पका लिया है। हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट अब रेडी है। तो इसको मैं अभी प्लेट में निकाल कर ले रही हूँ। विदाउट ओवन का पिज़्ज़ा बनाना आसान तो है ही और बहुत टेस्टी भी बन जाता है। तो गाइस, ये देखें, हमारा पिज़्ज़ा अब रेडी है। तो मैं इसको, ये ओरिगैनो है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेती हूँ। पिज़्ज़ा को इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये इटालियन हर्ब्स इस तरह से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो हमारा पिज़्ज़ा अब रेडी टू ईट। चलो अब इसको मैं क्या करती हूँ, एक नाइफ़ की मदद से इसके कट्स बना लेती हूँ। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, होममेड पिज़्ज़ा। बहुत आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है। देखने में भी खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी ये बनता है। बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी एक अच्छी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।